You might remember Dr. S.K. Bose, Dr. S.K. Tulli, Professor O.N. Srivastava, Lakshman Chaturvedi ji, और बहुत प्रोफेसर लागू थे हमारे, और भी बहुत सारे प्रोफेसर्स थे. डॉक्टर सी पी सिंह, यू माइट रिमेम्बर, क्वांटम फिजिक्स पढ़ाते थे, हमको कुछ समझ नहीं आता था वैसे, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने बहुत इंस्पायर किया हमें, क्योंकि बेचारे सोचो साइकिल पे आते थे ऑफिस अपने, और हम लोग के ड्रीम्स तो बहुत बड़े थे ना, बॉलीवुड इंस्पायर्ड ड्रीम्स थे उस टाइम हमारे, हमारी लंबी गाड़ी होनी चाहिए, हमारा ऐसा घर होना चाहिए. लेकिन आप देखें कि कॉन्टेंट क्या था, यू नो, हाउ मेनी पद्मश्रीज और पद्म भूषण हैज द बीएचयू फिजिक्स डिपार्टमेंट गॉट. आई थिंक एवरी टाइम आई सी समवेयर, मुझे कोई ना कोई दिख जाता है उसमें, और इतना माई हार्ट फील्स प्राइड, यू नो, व्हेन आई थिंक कि इसीलिए हम लोग इतने इंस्पायर्ड होते हैं. मेरी दो टीचर्स थी वेमेंस कॉलेज में, वन वॉज प्रोफेसर शकुंतला देवी, देवी थी शायद को, एंड देर वॉज अनदर प्रोफेसर आमिनी अम्मा, एंड दोनों इतनी अच्छी टीचर्स थी, आई कैन नॉट टेल यू, क्योंकि जब वो पढ़ाती थी, मतलब इतने दिल से पढ़ाती थी वो, और इतना अच्छे से एक्सप्लेन करती थी कि हमको समझ में भी आ जाता था सब कुछ, यू नो. कई बार ही नहीं तो ये कॉन्सेप्ट होती हैं क्वांटम फिजिक्स की, पर्टिकुलरली यू आर, यू नो, अंटिल यू गेट अ गुड टीचर यू कैन बी वेरी कन्फ्यूज. हमारी मैथमेटिक्स की भी टीचर बहुत अच्छी थी बी एच यू में, and I still remember getting very confused in, you know, differential equations and third order integrations aur pata nahi kya kya, lekin us waqt samajh nahi aata tha ki hum kahan use karenge in sab cheezon ko, you know, ek badhte rahe catenary aur pata nahi kya kya, lekin in the end of the day when you see the real world, jab aap jaake unko use karna shuru karte hain, tab aapko apne teacher ki yaad aati hai, you know, tab aapko students friends aur ek kitab ki jo school hai wahan, wo school ne, sorry, library शॉप है शायद लंका पे ना, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स करके, तो जब सेकंड हैंड किताबें खरीद के, नोट्स वाली किताबें भी खरीद लेते थे, एक कुछ पहले नोट्स भी मिलते थे उसमें, यू नो. एनीवे, सो जस्ट सेइंग दैट इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, बिकॉज यू आर काइंड ऑफ डिसओरिएंटेड, यू आर सो परप्लेक्स्ड, यू डू नॉट नो वॉट इज कमिंग इन द फ्यूचर, यू नो. ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम तो यहाँ होता नहीं है, एज यू नो, अपार्ट फ्रॉम योर ओन वर्क एंड हार्ड वर्क. और टीचर्स आपको इनकरेज करते हैं, नॉट बाई टेलिंग यू कि बेटा आगे चलो आगे चलो, ऐसा नहीं है, वो खुद करते हैं वो काम जो आपके दिल के अंदर बस जाता है, कि आपको लगता है कि हम भी आगे जाके ऐसे करें, हम भी ऐसे बने, प्रोफेसर माथुर जैसे हम भी बनना चाहते हैं, प्रोफेसर सूद जैसा हम भी बनना चाहते हैं, यू नो, दे बिकम लिविंग एग्जाम्पल्स फॉर यू टू फॉलो देयर फुटस्टेप्स. सो आई वुड अर्ज यू ऑल यंग स्टूडेंट्स कि आप एग्जामिन करें कि कौन आपके मेंटर हैं जो आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, एंड इट्स नॉट वन पर्सन, यू नो, एंड इट विल बी चेंजिंग ऑल्सो एवरी टाइम. आप स्कूल में अलग टीचर्स होते हैं जो आपको पुश करते हैं और आपको बहुत अच्छे लगते हैं, यू नो. स्कूल में मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती थी, यहाँ पर मुझे फिजिक्स अच्छी लगने लगी, यू नो. तो मेरे पापा ने तो बोला कि बेटा ये हो क्या रहा है तुम्हें, यू नो, कि अभी तो मैं सोच रहा था कि दैट यू आर गोइंग टू डू, यू नो, मेडिकल. एंड आई सेड नो नो वे, मेडिकल तो बहुत बोरिंग है, मेरे को नहीं करना. बट यू नो हाउ इट इज, कि ट्राई टू फॉलो योर ओन ड्रीम, बट येट लुक एट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू होम यू कैन फॉलो, एंड देन यू कैन मूव फर्दर. हमेशा यू कैन ऑलवेज मूव फर्दर वंस यू आर. So yeah, this is just a time, you know, when you're a kid, and actually this is probably, अगर ये चलेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं. एक किताब लिखी है मैंने, actually, you know, just want to show you a little, all of you are geniuses, by the way, so don't blame me if I call you a genius. और इसका एक प्रीडिसेसर किताब भी है जिसके थ्रू ये किताब बनी. उसका प्रीडिसेसर का नाम है नोबल ड्रीम्स ऑफ इंडिया. वो किताब फ्री है, 0 रुपीज. यू विल फाइंड इट ऑन जगरनॉट्स वेबसाइट,
अगर वो पैसा कभी कभी लगा देते हैं जब मैं नजर नहीं दे नजर मेरी नहीं होती है उधर, तो वो 40 रुपये लगा देते हैं, जब मैं फिर कंप्लेन कर देती हूँ वो फिर से जीरो हो जाती है। ठीक है, सो इफ एनीबडी फाइंड्स कि वो अगर नहीं, अगर उसमें उन्होंने कॉस्ट लगाया, यू हैव टू कंप्लेन एंड टेल मी। ठीक है ना, बिकॉज इट्स सपोज टू बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। एनी वे, सो जस्ट टेलिंग यू, एनीबडी कैन स्पॉट मी, इट्स नॉट ईजी, बट ऑफ कोर्स दिस इज फ्रॉम माई स्कूल एंड हियर आई एम द लिटिल ड्रीमर, एज यू कैन सी दिस इज मी, you know, Choto, that's me. Thank you. I know that you found me already. ये मेरे स्कूल की है और मेरी बहुत फेवरेट टीचर सिस्टर एक्विलिना थी, 74 में स्कूल में, और ये उन्होंने एक मॉडल बनवाया था हम लोगों से, इलेक्ट्रिक क्रेन का मॉडल, बैटरी लगा के, नेल्स लगा के और तार लगा के, कि बस बैटरी से थोड़ा सा करंट आएगा एंड वी कैन लिफ्ट अ नेल। सो इट वॉज टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ हाउ एन इलेक्ट्रिक क्रेन वर्क्स। लेकिन अब उस जमाने में करना और फिर एक दूसरे स्कूल में ले जाके उसको डिस्प्ले करना, इट वॉज अ वेरी बिग एक्सपीरियंस फॉर अ लिटिल गर्ल इन 10th ग्रेड, यू नो, एट दैट टाइम। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये। और ये मैं वापस गई थी स्कूल अपने, तो वहाँ पर असेंबली को मैंने संबोधित किया था 2002 में एक बार। ये मेरा स्कूल है जहाँ झांसी का, और ये तो ऑफकोर्स वन ऑफ द प्राइड ऑफ BHU, आई मीन यू ऑल नो प्रोफेसर वंश श्रीवास्तव, हु अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट ड्यूरिंग कोविड। मेरी एक बहुत अच्छी मेमोरी है मेरे हॉस्टल की, जो पहले ज्योति कुंज होता था और दो ओल्ड हॉस्टल, न्यू हॉस्टल, उनके क्या नाम थे मैं भूल गई, स्वाति कुंज और कीर्ति कुंज, हाँ ये तीनों हॉस्टल्स थे, मैं तीनों में रही हूँ दो दो साल। ठीक है ना, तो जब पहले साल में जब मैं आई फर्स्ट ईयर BSc में, तो बहुत एंथुसियाज्म, बहुत सारी और चीज़ें करने का भी होता है ना, नॉट ओनली स्टडीज़। सो आई रिमेम्बर कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलके एक टैबलो में पार्टिसिपेट किया था, दिस इज़ नॉट दैट टैबलो, उसकी फ़ोटो मेरे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना जो बसंत पंचमी के द्वारा, तो उसमें हमने उस ज़माने में, ऑब्वियसली द फोकस वॉज ऑन सम अदर थिंग्स विच वॉज लाइक फैमिली प्लानिंग, तो हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग के ऊपर एक टैबलो बनाया था, कि मेरी जो सहपाठी थी एक रेनू सिंह, उसके फादर वाज आई थिंक इन द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और इन वन ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, शी वाज द वाइफ, आई वाज द हस्बैंड, देन वी हैड 2-3 चिल्ड्रन ऑन द टैबलो, एंड यू नो बहुत सारे बच्चे थे, नॉट 2-3, बहुत सारे बच्चे थे, एंड वी वर ऑल फाइटिंग विद ईच अदर एंड शाउटिंग एट ईच अदर, और फिर उसके बाद फिर इट वाज लाइक अ लिटिल स्किट वी हैड प्रिपेयर्ड, और मैसेज था कि भी दो बच्चे ही अच्छे ऐसे करके, सो वी वन द फर्स्ट प्राइज ऑल्सो, यू नो, सो वो वाला था एक मेमोरी मेरी। और ये ऑफकोर्स दिस वॉज इन 1980, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी ओलंपिक्स टाइप से कुछ स्पोर्ट्स का हुआ था, जिसमें कि आई यूज टू बी वेरी एथलेटिक बिफोर, तो काफ़ी सारी चीज़ों में मुझे बहुत सारे कप्स मिले हैं जो मेरे घर में लगे हुए हैं, अभी भी मेरे पास सारे कप्स हैं मेरे। और मेरा जो लड़का है, माई सन इज ऑल्सो फिजिसिस्ट, वो कहता है मम्मी ये तो मेरे हैं, यू नो, सो वी कंटिन्यूसली हैव दिस थिंग गोइंग ऑन, एंड आई कीप देन टेलिंग हिम ऑल द स्टोरीज, यू नो, लाइक ओल्डर पीपल ऑलवेज टेंड टू रिपीट द स्टोरीज, एंड आई लव टू रिपीट दो स्टोरीज एंड टेल हिम कि बेटा ये तुम्हारे नहीं है, ये मेरे हैं, मुझे BHU में मिले थे, क्योंकि BHU के बाद तो कहीं कब से नहीं मिले, यू नो, टू बी ऑनेस्ट, उसके बाद बहुत पढ़ाई में लग गए, यू नो। सो दिस इज समबडी, सम ऑफ यू माइट रिमेंबर प्रोफेसर ललन जी गोपाल, ही वॉज हियर एंड ही केम फॉर द सेरेमनी, एंड दैट इज माई टीचर, फिजिकल एजुकेशन की टीचर थी ये एक हमारी मिसिज राय चौधरी करके, एंड शी यूज़ टू टीच अस बास्केटबॉल, and I don't remember if this was the basketball cup or something there, yeah. Okay, अब ये क्या था, ये मैं मदर टेरेसा वाला इंसिडेंट बताती हूँ, क्योंकि 1980 में आई थी मदर टेरेसा यहाँ पर, सॉरी आई एम डेटिंग माई सेल्फ एंड आई माइट बी बोरिंग यू ऑल्सो थोड़ा थोड़ा, तो लेकिन मैं क्या करूँ, इतनी सारी यादें हैं ना यहाँ पर। सो मदर टेरेसा केम टू इनॉग्रेट आई थिंक सम ऑन्कोलॉजी का जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, सर सुंदरलाल मेडिकल स्कूल का जो ऑन्कोलॉजी का था, रेडियोथेरेपी यूनिट, उसको इनॉग्रेट करने के लिए आए थे। तो विमेन कॉलेज का जो कंटिंजेंट था उसमें, नाउ बाय नाउ यू नो कि मैं सबसे आगे पहुंच जाती थी सब जगह, ठीक है ना, तो मैं आगे थी सबसे, सब लोगों के लड़कियों की भीड़ में, और पीछे जैसे ही वो आए सामने से, बिकॉज एज यू कैन सी दिस इज एग्जैक्टली द सेम सीन, कि वो सामने से आए
और यहाँ पे जैसे धक्कम धक्की शुरू हो गई, यू नो, क्योंकि लड़कियां तो थी थोड़ी ज्यादा नहीं, 8-10 लड़कियां होंगी सामने, बट पीछे से सारा वो कौन सा हॉस्टल है, ब्रोचा हॉस्टल, बिरला इतना जोर से धक्का आया पीछे से, एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट मोमेंट बिकॉज इतने धक्का आया कि हम सब गिर गए और मैं बिल्कुल उनके पैरों में गिरी, एंड आई एम थिंकिंग कि इट वॉज अ ब्लेस्ड मोमेंट, कि आई गॉट अ ब्लेसिंग विदाउट एनी फोटोग्राफ और एनी थिंग, बट इट इज हियर द मेमोरी एंड इट इज अ वेरी गुड मेमोरी दैट आई हैव ऑफ दैट टाइम. ओके, अब पास्ट ग्लोरी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं. आगे आई वेंट टू दिल्ली बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू न्यूक्लियर फिजिक्स में PhD, और हमारा सब सेटिंग भी हो गया था यहाँ पर प्रोफेसर वी एस माथुर के साथ, उनका एक साइक्लोटॉन था यहाँ पर, वेंडीग्राफ था यहाँ पर, या तो अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डिडंट वर्क आउट, रिसोर्सेज भी नहीं थे, एंड आई थिंक दैट ही पास्ड अवे एट सम पॉइंट जब हम लोग की ये नेगोसिएशन चल रहा था PhD का. एंड देन आई जस्ट अप्लाइड फॉर अ JRF पोजिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बिकॉज आई थॉट कि अब कहीं तो करना है PhD. और मम्मी पापा भी थोड़े परेशान होना शुरू हो गए थे कि अनक्लियर फिजिक्स तो पढ़ लिया, अब आगे क्या करना है, यू नो. एंड एनी वेज आई वॉज लकी, आई गॉट एडमिशन इन दैट इन दिल्ली, एंड देन आई स्टार्टेड माई PhD देयर. एंड ड्यूरिंग द PhD आई गॉट इन 1987 एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू CERN, और वहाँ जाके मैंने देखा कि ये R&D वगैरह तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, क्योंकि ठीक है दिल्ली में भी हम जो काम कर रहे थे वो, टू बी ऑनेस्ट, इन दोज डेज BHU वॉज मच हायर इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट दैन वट वॉज हैपनिंग इन दिल्ली एट दैट टाइम. BHU का गोल्डन एज, प्रोफेसर SK तुली वॉज हियर, यू नो, दिस इज द रीजन व्हाई आई वॉन्टेड टू कंटिन्यू हियर, यू नो. And the physics department was amazing. Amazing people and amazing work was going on. But वो ये किस्मत की बात होती है कि वो उस वक्त नहीं मिला हमें यहाँ पर PhD करने के लिए. तो I looked at the detectors over there and so on. But ये कहिए कि कुछ एक छोटी सी मुझे प्राइज मिली, जैसे यहाँ पर अभी एक बच्चे ने को लोगो प्राइज मिल गई, ऐसे ही मुझे भी एक थोड़ी encouragement प्राइज मिल गई कि I could spend 3 to 6 months at CERN. That was the prize. तो मैंने तो बोला अपने पेरेंट्स को कि आई नीड टू गो. वो कहते बेटा हम तो वहाँ से नहीं भेज सकते तुमको वहाँ पर, है ना. मैंने कहा भाई बाप हमें तो जाना है, हम इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर सकते हैं. कहते बेटा जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी हम कहीं नहीं भेजेंगे, ठीक है ना. मतलब पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं ना, वो पुराने जमाने वाले पेरेंट्स. अभी तो पेरेंट्स बोलते जाओ बेटा जाओ, ठीक है ना, अभी तो यही बोलेंगे ना, ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तुम. हमने कहा ठीक है चलो जल्दी से शादी करो फिर. सो ईश्वर की मर्जी, उन्होंने फिर रास्ता कुछ ऐसा बनाया कि आई वॉज वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि आई गॉट एन एक्सट्रीमली सपोर्टिंग फैमिली, इन लॉ फैमिली, जिन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारे पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो यू मस्ट अवेल, यू नो. और वो चीज़ ये रही कि बिना सपोर्ट के एक, मैं एज अ वुमन बोलूंगी आप लोगों को, पर्टिकुलरली टू द वुमेन हियर एंड टू द मैन टू बी ऑनेस्ट, कि जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमारी सोसाइटी ठीक है बहुत आगे निकल गई है इन टर्म्स ऑफ बीइंग इक्वल, इन टर्म्स ऑफ यू नो द वर्क वी डू, इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट वी क्रिएट, परंतु फिर भी जब तक एक सपोर्ट नहीं होगा फैमिली में तब तक ना एक वुमन आगे नहीं बढ़ सकती. अगर घर में फुल सपोर्ट नहीं होगा तो द मैन मस्ट सपोर्ट. If there is caliber and if she wants to do caliber or not, जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्यों नहीं, है ना. और उसी तरह से women should also support the husband. Don't think कि तुम्हें ही सारा support मिलना चाहिए और उसको नहीं मिलना चाहिए. And of course you will go ahead. So I got that opportunity और वो करने के बाद मुझे फिर मैं वापस आ गई. My son was born after that. My husband also joined me there. तो मेरे husband हमेशा joke करते हैं कि अचानक तुमने मुझे स्विट्जरलैंड घुमा दिया, यू नो. सो बट द गुड थिंग इज कि आई केम बैक हियर, सिंस इट्स नॉट इजी फॉर मी टू स्टे देयर ऑल बाय माय सेल्फ विद अ स्मॉल चाइल्ड एंड ऑल दैट, बट आई गॉट अनदर फेलोशिप फॉर 3 years, देन दे कॉल्ड मी बैक आफ्टर दैट. तो वो एक लाइफ चेंजिंग बात हुई. बट आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि मैं जब यहाँ शुरू किया अपना काम जाके
89 में वापस शुरू किया, आई वॉज वेरी परप्लेक्स्ड बिकॉज ऑलरेडी देर इज अ बिग गैप बिटवीन माई ट्रेनिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स FPGAs, यू नो ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर नीडेड. हमें तो नाम ही नहीं पता था कि क्या है क्या है, DME क्रेज है यहाँ पर, और ये इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. सो वट आई डिड इज, बच्चों आई रोल्ड फॉर अ सेकेंड PhD. मैंने कुछ तो सीखेंगे भाई, तो एक PhD करना तो वैसे ही थोड़ा सा पागलपना लगता है कभी कभी, लेकिन आप सेकेंड PhD करो तो फिर तो बिल्कुल ही मतलब समथिंग मस्ट बी रॉन्ग. बट द गुड थिंग वाज दैट आई वाज एबल टू लर्न एंड आई लर्न एंड आई लर्न एंड द लेसन आई वांट टू पास ऑन टू यू इज कि इसमें कोई देयर इज नथिंग टू शाय अवे फ्रॉम हार्ड वर्क और फ्रॉम लर्निंग. इवन टुडे यू नो आई गेट टू लर्न समथिंग. मेरे को बच्चे ने बताया जब मैं कुछ व्हाट्सएप का नंबर नोट, मैडम उसको स्कैन करिए ना, you will learn how to do it, you know. So anyways, I did my second PhD in Geneva University. काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली, और फिर जब हमने देखा ये तो बहुत ही ह्यूज एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े, और ये कैसे मैनेज करेंगे इनको, isn't it? You have 6,000 people, even if I am working in my small group, I have around 200-300 people who are working with me. उनको मैनेज करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना, यू नो इंजीनियरिंग को मैनेज करना, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को शेड्यूल पे रखना, प्रोडक्शन रखना, क्वालिटी कंट्रोल रखना, ऑपरेशंस एट्सेट्रा, ये सब सीखने के लिए आपको, यू नो हम सोचते हैं कि अरे आ जाएगा ये क्या है, इसमें लिख कर लेंगे, एक्सेल शीट बनानी है और क्या करना है ना, लेकिन ऐसे नहीं होता है. एवरी एक्सपर्टीज नीड्स ट्रेनिंग, एंड फॉर दैट मैंने खुद MBA किया from the International University of Geneva. Because it gave me, मैंने तो जब MBA किया मुझे लगा कि मैं कौन सी दुनिया से आ रही हूँ, you know? I'm going backwards. मुझे लगा कि मेरी दुनिया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की होती थी, ये यहाँ ये सब क्या हो रहा है, you know, in terms of resources and project management और ये सब huge amount of learning. I learned a lot about, I learned a lot about creative thinking, lateral thinking, critical thinking. हमने नहीं सीखी थी भाई स्कूल में, आई एम टेलिंग यू. हमको लगता था बस सीधे सीधे ये ना 2+2 इज 4 और काम चलाओ, लेकिन कभी कभी 2+2 तो 5 भी हो जाते हैं, 2+2 22 हो जाते हैं. तो यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड यू नीड टू फोकस ऑन सोल्यूशंस. जैसे मेरे पापा थे, इज नो मोर अनफॉर्चुनेटली, तो वो हमेशा ये कहते थे कुछ भी आइडिया लेके जाओ उनके पास ये नहीं होगा, सबसे पहले ये नहीं होगा, तो उसके आगे फिर आप डिस्कशन ही नहीं कर सकते थे. फिर हम पूछते थे कि नहीं पापा ऐसा सुना, अरे बेटा नहीं, द प्रॉब्लम इज, यू नो एवरी सेंटेंस यूज टू बी द प्रॉब्लम इज, आई डोंट, आई मीन आई लव माय फादर लाइक एनीथिंग, लेकिन जो ये एक हमारी हिस्टोरिकली जो सिविलाइजेशन है ना, उनकी कोई गलती नहीं थी, ही वॉज सोशली कंडीशन लाइक दैट, कि वो पहले उसमें प्रॉब्लम खोजेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है. और हम हमारी जनरेशन को और यंगर जनरेशन को सोचना है द सोल्यूशन इज, ठीक है ना, आप करेंगे ना इस चीज़ को, द सोल्यूशन इज किसी भी चीज़ में. जब भी कहीं पे बहुत लोग बोलेंगे आपको अरे ये नहीं हो सकता, नेगेटिव थिंकिंग बहुत है हमारे यहाँ, यू नो फैमिली के अंदर ही है, आई एम टेलिंग यू. तो आपको खड़े होकर बोलना है कि द सोल्यूशन इज, सोल्यूशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड बैकअप सोल्यूशन, ठीक है ना. Okay, so this was just some pictures from my lab and the lab. This one particular one is from BARC. Because सबसे पहला काम मैंने ये किया कि जो मैंने lab CERN में बनाया, मैंने उसका duplicate immediately अपने country में बनाया, in BARC and in Delhi University. आज के तारीख में वो पंजाब में भी है. They are making gems in Punjab University in Chandigarh and also in Saha Institute of Nuclear Physics. They are doing that. And my dream is to do this in BHU. So you have to work with this. ये तो खैर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं सारे मेरे, ऑलवेज द किड्स आर विथ मी. एंड यू कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पर कितनी गर्ल्स हैं मेरे साथ, डू यू सी दैट, डू यू सी, वैसे आई वॉज हैप्पी टू नोट इन योर कमिटी यू हैव 40% गर्ल्स. मैंने देखा, मैंने कहा चलो जनरल एवरेज से तो ऊपर ही है, सो दैट्स गुड. एंड द गर्ल शुड बी 50-50 ऑफ कोर्स, या बट वेरी वेल डन टू द कमिटी ऑल्सो, फॉर द वेल बीइंग कमिटी. ओके, सो यू सी कितनी लड़कियां मेरे साथ काम करते हैं, खुश है ना सर. ये कोविड के टाइम का है, मैं मारती नहीं हूँ किसी को, डांट देती हूँ बस थोड़ा सा, लेकिन अदरवाइज वी आर ऑल वर्किंग. और जो मैंने आपको बताया था कि एक मैंने ड्रीम का बारे में बात, ये डिटेक्टर जो है
ये डिटेक्टर है जो जेम डिटेक्टर है ना, वो इस तरह का डिटेक्टर है विच कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेडिकल इमेजिंग। सो वेंकटेश जी, आपके लिए पर्टिकुलरली आपके लैब में ये बनना है, और आरपीसी का जो बड़ा बड़ा मैं बता रही हूँ वो उस तरह का भी बनना है। ओके, एंड यू कैन सी, मुझे सिखाने का तो बहुत शौक है, आई एम श्योर बाई नाउ यू नो कि मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाती रहती हूँ, ठीक है ना, भाषण भी देती रहती हूँ काफ़ी तो। लेकिन ये मैं जब पहुँची थी वहाँ जिनेवा में, ये फ़ोटो 1989 का या 90 का होगा, ये मैं अपने लड़के के स्कूल में पहुँच गई और उनको बच्चों को सबको मैंने एक लेसन दिया ऑन साइंस, डू यू सी। और जो कुछ भी मेरे को घर में मिला मैं सब लेके गई और उनको सिखाया कि कैसे मैग्नेट काम करते हैं। यू कैन सी दिस इज द, दिस आर मैग्नेट्स हियर इन माय हैंड्स। सो टेलिंग अदर पीपल व्हाट यू हैव लर्नड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि आप जो पढ़ रहे हैं यू आर वेरी एक्साइटेड बाय इट, यू आर एंथुजियास्टिक अबाउट व्हाट यू आर लर्निंग, एंड व्हेन यू टीच यू विल नो इट मच बेटर। If you are able to teach, मतलब कि आपको खुद भी समझ में आया है थोड़ा बहुत, right? So it's extremely important. So here again, Geneva में रहने के बहुत फायदे हैं, you know, आपको Prime Minister से ही मिलने को मिल जाता है। So ये again you see, बहुत सारे students हैं हमारे साथ में, और students को लेके हम तो पहुँच गए ambassador के घर के, वहाँ हमने कहा हमको मिलना है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैडम देखते हैं, और मैडम भी इंसिस्टेंट बहुत हैं, छोड़ती नहीं है, यू नो पीछे पड़ गए हम तो। तो उन्होंने बोला ठीक है 20 मिनट के लिए आप क्या एक छोटा सा स्लॉट बना देते हैं। इट वॉज बिटवीन हिज डिपार्चर फ्रॉम जिनेवा टू वॉशिंगटन एयरपोर्ट के बाहर एक छोटा सा सिक्योरिटी एरिया बनाया गया, और उसमें हम लोग गए मिलने के लिए। और देखो आप ये सोचें कि ये बच्ची जो है वो उस टाइम फर्स्ट ईयर में थी, शी इज़ फ्रॉम दुर्गापुर IIT, नॉट IIT, NIT, NIT से है वो। तो उनके लिए कितना लाइफ चेंजिंग एक ये इवेंट हुआ, कितना एक एनकरेजमेंट मिला आगे बढ़ने के लिए, यू नो, एंड आई एम ओनली सेइंग कि सो फॉर्चुनेट टू हैव दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डू थिंग्स। ये हमारे कंट्रोल रूम का है। एक मेरा ये भी ड्रीम है कि हम एक ना कंट्रोल रूम फॉर मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स, जो भी इंडिया में मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके कंट्रोल रूम्स आजकल आर कम्प्लीटली वर्चुअल, इजंट इट। You can be here, sitting here, you can be sitting in Geneva, you can be sitting in the United States or in South Africa. You still are sitting in a control room which is completely virtual, isn't it? So why don't we make a control center in our country of mega science projects where we are able to then, you know, participate and interact with scientists, and all these students can actually be doing the shifts and all that kind of work. So anyway, I won't tell you more. तो ये है मेरा प्रोजेक्ट जिसका कि टेक्निकल डिज़ाइन रिपोर्ट जेम का मैंने दिया था, जब आइडिया दिया था मैंने तो मेरे मैनेजमेंट थ्रू मी आउट ऑफ द विंडो, बोला ये नहीं हो सकता। और आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में तो बता ही दिया मैंने कि आई वॉज सक्सेसफुल इवेंचुअली, और मैंने दुनिया में 7 सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पर ये डिटेक्टर्स बन रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, और ये डिटेक्टर्स 2040 तक डेटा लेंगे CNS के अंदर। एंड एवरीवन और आप देखेंगे कि मतलब कितना इसमें इंडिया का भी पार्टिसिपेशन है, और इसमें आप एक तरह के बोर्ड्स देख रहे हैं ना, ये बोर्ड्स हैं बड़े बड़े, ये इंडिया में बने हैं फॉर द होल प्रोजेक्ट। एक बैंगलोर में इंडस्ट्री है जो बना है। ओके, आई थिंक मैं शॉर्ट में बताऊंगी बस कि आई कीप डूइंग लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर स्टफ विच इज लाइक डूइंग इंडक्शन कोर्सेज फॉर यंग स्टूडेंट्स हु आर कमिंग, एंड ऑफकोर्स मेरे बच्चे हैं ये सारे जो आते हैं मेरे पास, देन दे कम एंड टेल मी कि हाउ हैप्पी दे आर व्हेन दे कम एंड वॉच एंड सी। इंडिया में भी इंट्रैक्शन करते हैं, कल मैं इसीलिए भाग रही हूँ क्योंकि कल सुबह सुबह जाके एक इंट्रैक्शन है बच्चों के साथ वहाँ गुड़गांव में। दिस इज देन एक्सपेंडिंग द फैमिली बिकॉज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो नॉट ओनली इंडिया से तो मेरा अलग ही मतलब वो है, बट साउथ एशिया में भी काफ़ी मैंने काम किया है, और श्रीलंका, मॉरिशस एट्सेट्रा, ये सारे लोगों के साथ मिलके मैंने इंस्टीट्यूट किए हैं कुछ प्रोग्राम्स, दैट्स कॉल्ड साउथ एशिया साइंस एजुकेशन प्रोग्राम वेयर यू आर टीचिंग टीचर्स, यू नो, बिकॉज मैंने क्या देखा, मेरा लड़का जब वो स्कूल जाता था फिजिक्स लिया उसने बड़े होके, मैंने सोचा ये तो अच्छी बात है फिजिक्स ले रहा है, यू नो ये तो मैं लेफ्ट हैंड से बता दूंगी, यू नो ऐसे सोचा मैंने। जब क्लासेस शुरू हुई, कोर्सेज शुरू हुए, और प्रॉब्लम्स मिलने लगी होमवर्क, मेरे से तो एक भी ना सॉल्व हो, मैंने कहा भाई ये क्या चक्कर है, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया मामला। फिर मैंने देखा
और डिटेल में देखा उसका, द रिसर्च नॉलेज दैट इज जनरेटेड इन द लास्ट टू ईयर्स इज इंजेक्टेड इन द स्कूल. कैन यू बिलीव दिस? आई मतलब हिग्स बोसॉन 2012-2013 में हुआ है, 2016 में ऑलरेडी इट वॉज इन एवरी करिकुलम एंड इन एवरी सिलेबस. सो टीचर्स को एक तरह से अलाइन करने के लिए, बिकॉज आई नो यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, टीचिंग करिकुलम बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है एंड बहुत ज़्यादा लेट से केओटिक सिचुएशन भी है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू जस्ट पिकअप एंड यू नो ब्रिंग एवरीथिंग इन द क्लास रूम. तो चैलेंजिंग भी बहुत है, बट एटलीस्ट आप स्कूल में एक्सपोजर्स तो कर सकते हैं. सो दिस वॉज वन ऑफ दोज प्रोग्राम्स दैट आई एम डूइंग. और ओके दिस ये तो सम पेटेंट्स आई हैव ऑन फास्ट टाइमिंग डिटेक्टर्स, उसका कोई खास ऐसा वैल्यू नहीं है. बट द गुड थिंग इज यू सी द प्रेसिडेंट्स एंड द प्राइम मिनिस्टर्स कम देयर एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू शो देम अराउंड, टू शो देम कि पार्टिकल फिजिक्स भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू एंगेज एंड डू थिंग्स. ये तो पुराना है एक फोटो, बट दिस इज नॉट, आई एम नॉट दैट ओल्ड, तो इट इज़ अ ओल्ड फोटो ऑफ कोर्स. I wanted to go. This is of course, you know these things. ये मेरी तब की है जब मैं यहाँ 2008 में आई थी. DAE का सिंपोजियम हुआ था, आप थे यहाँ पे वेंकटेश ना, आपने कराया था जी. I'm so sorry. So yeah, this is that part. Lovely pictures and memories there. ये बच्चों के साथ है, उस टाइम भी वहीं पर ही हमने फोटोज लिए थे. ये पहचान रहे ना, पहचान लिया आपने, दिस इज प्रोफेसर CP सिंह. और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आई वॉज सो लकी टू मीट हिम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. यू नो आई कुड, कुछ गुरु दक्षिणा हम दे सकते थे, कुछ ऋण थोड़ा सा उतरा, यू नो कि उन्होंने किस तरह से हमको पढ़ाया, किस तरह से इंकरेज किया हमको और हम भी थोड़ा सा आगे मतलब चल पाए उनके वजह से. सो येस, आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दैट ये अच्छा लग रहा है सुनने में, बहुत अच्छा लग रहा है इसकी, कितना अच्छा करियर बनाया मैडम ने और इतनी मतलब मेहनत करी. मेहनत के बिना थोड़ी होता है कुछ भी. I was very very fortunate. I had very good mentors, very good teachers, as I just said. I also got the Bharatiya Pravasi Samman abhi in January. Thank you. Yeah. So, film stars bhi aaye wahan, khub sare sawan mein aate hain kyunki ek cheez se Sushant Singh Rajput ko sab jante hain, right? Hai na? Jante hain na sab log? Wo he came there and he said, "Madam, ye mere bucket list mein tha ki main sawan aaun." You know, and this was I think December of the year of the previous year when he passed away the next year. It was very heartwarming also and difficult in fact. Ab reality pe aa jaye, thoda sa 5 minute aur le lo sir, is it okay? So sachchai kya hai bhai? Ab ye jo dream story to suna di maine aapko Bollywood ki ali, lekin sachchai kya hai? सच्चाई ये है कि सुबह 6 बजे से उठना और रात के 11 बजे तक नॉन स्टॉप तो काम आप करते ही हैं, आप सब करते हैं काम. उसमें आप एक दो चीज़ें और मिला दीजिए, जैसे कि हैविंग अ बेबी, टेकिंग केयर ऑफ द बेबी फॉर अ पर्सन, अ वुमन पर्टिकुलरली, दीज आर चैलेंजेस विच नोबडी विल सी. लेकिन आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते. एज अ वुमन आई कैन नॉट जस्ट टेल माई चाइल्ड, नहीं हम लेट हो रही, अब तुम खाना बंद करो और हम जाएंगे. You know, it's very challenging. In addition, my mother was staying with me when my father passed away. My mother was staying with me for 15 years, last 15 years. She just passed away in May, unfortunately. But wo bhi duties hoti hain aapki. Bimar pad jate hain, aap unko hospital leke jate hain. My mother was hospitalized for a stretch for 3 months. And I was working from the hospital, you know. I was even doing conferences from the hospital because there was no other way. तो आपको क्रिएटिव वेज निकालना है कि वॉट इज़ द सोल्यूशन बेसिकली, क्योंकि चैलेंजेस सबकी ज़िंदगी में, आप जितने बैठे हैं यहाँ पर, इफ़ वी आर अलाइव मीन्स वी हैव चैलेंजेस. सो वी जस्ट नीड टू लुक एट हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन. एनी वे हो गई, अब आज की तारीख आ गई, सो हियर वी आर. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दिस लवली वंडरफुल.